हमने आपके बारे में लिखा है, हम बोलेंगे आपको हाँ या ना करेंगे। तरक्की के लिए आशीर्वाद देने आए हैं, रोग बने रहते हैं, आशीर्वाद है तरक्की होती रहेगी नौकरी में जी जी, रोग से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, उपाय हम आपको लिख कर दे रहे हैं। वैसे थोड़े बहुत रोग बने रहते हैं, बने रहते हैं और बस दर्शन करने आए हैं, बस आशीर्वाद चाहिए। रोग बने रहते हैं और बस दर्शन करने आए हैं, आशीर्वाद। सही है, बहुत जल्द से जल्द मात्र 3-4 महीने में ही आपको पूरे रोगों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, जो पहले मेरी मनोकामना थी वो पूरी हुई है और हो भी जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है बालाजी पे, मेरी बहुत आस्था है बालाजी में। अलीगढ़ में स्वर्ण जयंती नगर स्थित ईस्ट व्यू अपार्टमेंट के G1 फ्लैट में श्री रामेष्ट सरकार का दिव्य दरबार लगाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त गणों ने अपनी अर्जी लगाकर समस्याओं का निराकरण जाना। 14 वर्षीय महाराज जी द्वारा बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरह पहले से ही उनकी समस्या पर्चे पर लिखकर अलग अलग निराकरण एवं उपाय बताए गए और निशुल्क उनके कल्याण के लिए आशीर्वाद दिया। इस मौके पर दूर दूर से आए भक्तगणों को बड़े ही संतोषजनक तरीके से प्रश्नों के उत्तर दिए। ये दरबार महीने में एक बार बालाजी महाराज की कृपा से लगाया जाता है। अर्जी लगाने के लिए यहाँ संपर्क किया जा सकता है और यहाँ पर लोग बस अपनी समस्याओं का समाधान के लिए यहाँ पर हमारे पास आते हैं कि बस उनकी समस्याओं का समाधान हो और मैं प्रभु की कृपा से उनकी कुछ ऐसे उपाय बताता हूँ जिससे उनका समाधान हो और वो उनकी सारी परेशानियों का मैं हल कर सकूँ। क्या बागेश्वर धाम से किस तरह का रिश्ता है आपका, क्या कहते हैं? ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, वो अपनी लाइन में, हम अपनी लाइन में, दोनों पे प्रभु का आशीर्वाद है बस। तो आपका यहीं पे आश्रम है कहीं अपने पास? अभी आश्रम नहीं है, अभी तो हमें अभी तो बस मैं ऐसी दरबार लगाता हूँ यहीं पर जी, यहीं पर अलीगढ़ में। और भी कहीं गुरु वगैरह? हाँ, हमारे गुरु हैं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी, वृंदावन के रहने वाले हैं, वो हमारे गुरु हैं। ये हमारा महीने में सिर्फ एक दिन दरबार लगता है हर महीने जी, और अर्जियाँ लगती हैं, जैसे इस बार 70-72 अर्जियाँ लगी हैं। जो मेरी समस्याएं हैं वो प्रभु ने बिना मुझे पूछे लिख दिया कागज पर, और जो लिखा है बिल्कुल वही पूछने आया था मैं प्रभु से। मेरी तरक्की नहीं हो रही है और सेहत में परेशानी रहती हैं, बीमारी बनी रहती हैं शरीर में, बस ये प्रभु का मेरा आशीर्वाद। मेरा अमित शर्मा है, मैं यहीं वाली अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, स्वर्ण जयंती नगर में मेरा प्रभु का दरबार लगा हुआ है, यहाँ पे आया हुआ हूँ मैं, स्वच्छा विहार रहने वाला हूँ, निवास ग्राउंड के पास। शर्मा कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़ नौरंगाबाद। तो क्या आपको लगा है, क्या किस लिए आए थे, क्या अर्जी लगी है? प्रभु से आशीर्वाद लेने ही आए थे हम, प्रभु का आशीर्वाद चाहिए हमको। जो प्रभु ने बताया वो सब सही है, वही बात है जो हम पूछने आए हैं, वही बात है। यहाँ सर आध्यात्मिक उन्नति के लिए आए हूँ। पहले भी आए हैं। तो किस लिए आए थे पहले? एक लौकिक कार्य था, वो संपन्न हो गया, इसलिए आए। ये अब किस लिए आए? अब भी उस लौकिक कार्य में उन्नति हो इसलिए आए। बोलो बालाजी महाराज की। किस तरह के लिए आई है, क्या काम है यहाँ पर? प्रभु में आस्था है बालाजी महाराज में, सभी लोग भगवान की भक्ति करते हैं और पूजा भी करते हैं, इसी वजह से भगवान में आस्था रखने के लिए, सबका कल्याण हो उसके लिए प्रभु की आस्था है। संदेश है कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है, आप बालाजी में विश्वास रखें, कलयुग के राजा यही हैं, और अपना जुड़े रहें बालाजी से, सब काम पूरे होंगे, सबकी मनोकामना पूरी होगी। ये हमारा एक ग्रुप बना हुआ है रामेश सरकार के नाम से, जिस पर अर्जी का समय, अर्जी का दिनांक, इस तिथि से इस तिथि तक अर्जी डाली जाएंगी, तो वो नाम आते हैं व्हाट्सएप पर, हम नाम लेते हैं और उन नामों को हम अपने एक नोटबुक पर नोट करते हैं सीरियली, और फिर उन अर्जियों के अनुसार ही अंदर बुलाया जाता है उस व्यक्ति को। और जैसा कि मेरा मानना है कि मेरे तो अब तक के जितने भी रुके हुए काम थे वो प्रभु कृपा से सारे पूरे होते हुए जा रहे हैं, और बहुत ही मुझ पर असीम अनुकंपा बनी हुई है प्रभु की। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम संदीप शर्मा है और मैं यहाँ अलीगढ़ में सुरक्षा विहार में रह रहा हूँ। मैं फर्स्टली मैं आई हूँ बीदास कंपाउंड औरंगाबाद से, और मैं अमित भैया के थ्रू जानती हूँ मैं महाराज जी को, और मैं सबसे पहले आई थी यहाँ पे मिलने के लिए। मुझे बताया गया था है ऐसे एक महाराज जी, आप दर्शन करो, अर्जी लगती है। आई मैं यहाँ पे तो उन्होंने मुझे बहुत सिंपल सा मिली, सबसे पहले मिलते ही एक जो अनुभूति होती है ना सामने देख के, वो मुझे फील हुई। मैं उनके पास गई, मुझे पूछना क्या था मुझे वही नहीं आता। मैं वापस आई लौट के, तो मैंने कहा मुझे पूछना था जो मुझे याद ही नहीं रहा क्या था। कुछ दिव्य शक्ति है उनके अंदर जो होता है। मैं यहाँ चौथी बार आई हूँ शायद, जब से गद्दी लगनी स्टार्ट हुई है तब से मैं आ रही हूँ।
उन्होंने मुझे जो बताया सुंदरकांड पढ़ने का बताया था मेरे हस्बैंड का, तो हमने 5 सुंदरकांड 5 मंगलवार को किए थे और 6 मंगलवार से पहले ही मेरे हस्बैंड का प्रमोशन का खबर आया, मतलब दूसरी MR है वो इसमें फार्मा फील्ड में है, तो एक दूसरी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया, उम्मीद ही नहीं थी कि वहाँ से कॉल आ सकता है तो वहाँ नहीं हो पाया, जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उसी में उनका प्रमोशन हुआ, तो बिल्कुल ना अनएक्सपेक्टेड था, कि था ही नहीं कि कुछ सोच सकते थे उसी कंपनी में प्रमोशन का तो वो चीज़ हुई, तो मुझे बहुत विश्वास हुआ। लास्ट टाइम मैं बहुत सारे अपने सारे मिलने वालों को लेके आई थी और मुझे बहुत ज़्यादा श्रद्धा है महाराज जी के अंदर, इसलिए मैं आज अपनी बेटी को लेके सीधे स्कूल से अपने स्कूल से डायरेक्ट मैं यहीं आई हूँ, तो मुझे बहुत विश्वास है उनके ऊपर कि शायद बहुत उनके अंदर शक्ति है।